पहला बार हमारे यहाँ के गाना रहे तो दो तीन को गान दो गाना के लिए बने हम तो यही चैनल से दोनों गाना है। शूटिंग में श्वेता जी और हमके 26 घंटा मेहनत के लिए 26 घंटा मेहनत हुई 26 घंटा मैं चली गई थी उसके बाद हमारा ये गाना तो कंपनी मालिक ये बंटवारा आपको क्या लगता है? देखिए आपकी फिल्म हो चाहे गाना वो भोजपुरी में हो, अभी फिल्मों में तो भोजपुरी गाना ही लगाता है तो हमारा ख्याल से देखिए सब भोजपुरी सवाल या भोजपुरी फिल्म हो या गाना हो तो वो मतलब मायने सब बराबर है क्योंकि भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री से ही फिल्म में जाते हैं। हाँ एल्बम में से ना हिट होगा हीरो बनता फिल्म बनता है। खुद दिनेश लाल यादव जी निरहुआ भी क्या बोलते हैं एल्बम इंडस्ट्री से फिल्म में सब के भी भोजपुरी जिसमें बाद जो भी लोग गायक भाई लोग सब लोग एल्बम में से उठ के हीरो बनल था और बहुत सारे भाई लोग भी बनने वाला था। क्या लगता है कि भोजपुरी में जब दिनेश लाल यादव जी सांसद बने तो भोजपुरी में राजनीतिक होने लगा? अरे ना भाई चलो कुछ अपन जब काफी याद को याद बनाइए वो राजनीतिक मत बनाइए। सबसे बड़ी धोखेबाज इधर बाजू में बैठी है प्रमोद भैया की और इनके याद में इन्होंने क्या क्या कर डाला है वो तो अभी 4 बजे देखने को मिल जाएगा। और दूसरे टैप का मतलब तो हमें बताइए और सुनिए भाई सबसे धन्यवाद दहल साहब पहला बार हमारा से चुनाव में लक्की विश्वकर्मा जी जो भोजपुरी के नंबर वन कोरियोग्राफर है भाई को दिल से धन्यवाद। उस ट्रैक को आप छोड़ करके ये नया ट्रैक स्थापित करना चाह रहे भोजपुरी में? अच्छा करना तो सब चाहते हैं और वो लोग भी अच्छा करेंगे जो आप जो वर्ड यूज किए वैसे वाले लोग भी अच्छा करेंगे और कोशिश भी कर रहे हैं सब लोग अच्छा करने के लिए लेकिन क्या करें थोड़ा चीजें आ जाती है स्ट्रगल करना और उस चीजों को लेकर के भी लोग सोचते हैं। अभी भी मैं भी आप ही लोग जैसा हूँ और बहुत सारे छोटे सिंगर हमसे मिलते हैं तो उनका भी कहना एक ही रहता है कि हम लोग अच्छा अच्छा गाना गाते हैं तो कोई देखता नहीं है चलता नहीं है हम लोग 3 साल से गाना गा रहे हैं 4 साल से गाना गा रहे हैं बट कुछ गलत देखा रहे तो वही हाल है कि अगर गाली दे दीजिए तो तुरंत हाईलाइट हो जाइएगा और इज्जत से प्रणाम करिए नमस्कार करिए तो कोई आपको नहीं वैल्यू देगा तो थोड़ा थोड़ी चीजें आ जाती है लेकिन कोशिश सब कर रहे हैं अच्छा करने की और हम भी वही चाह रहे हैं कि अच्छा हो और हम भी वही कोशिश कर रहे हैं। इस गाने का बजट भी कितना हाई है? बजट तो हाई है ठीक है लेकिन मेहनत के ऊपर बजट नहीं जाता क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा है बजट बहुत कम है क्योंकि इसमें हर एक इंसान जो इस गाने से जुड़ा है चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो और म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत लोग जानते हैं उनको उनका नाम है जयदीप वर्मा जो कि अलग नाम से आ रहे हैं विजेस के नाम से और हर एक इंसान मेहनत किया है जो जो इस गाने को लिखा है वो भी मेहनत से लिखे है सिंगर जो गाए हैं वो भी मेहनत से गाए हैं और बाकी शूटिंग पे तो हर एक इंसान ने मेहनत किया और दिल लगा के किया है तो बजट नई वैल्यू रखती है जब हम मेहनत आगे आ जाते हैं।